भारत में बहुत बड़े बड़े ई कॉमर्स मार्केट प्लेयर हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, लेकिन एक स्टार्टअप बैगुफ.कॉम जिसने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में अपना एक अलग पहचान बनाया और आज इनका रेवेन्यू 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में है। इस वीडियो में बात करेंगे बैगुफ.कॉम की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, कंपटीटर्स, रेवेन्यू और मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो इन्हें बाकी सारे ई कॉमर्स प्लेयर से अलग बनाता है। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे एक यूनिक आइडिया होता है जो उन्हें उनके फील्ड के बाकी सारे कंपटीटर से अलग बनाता है। जैसे गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने देखा कि बहुत सारे लिंक का यूज़ करके सर्च रिजल्ट को और बेहतर बनाया जा सकता है और गूगल की स्थापना कर दी। और आज गूगल सर्च मार्केट को डोमिनेट करता है 86% मार्केट शेयर के साथ। बैकअप.कॉम के फाउंडर ने देखा कि कॉलेज स्टूडेंट क्लासी लुक के जगह ट्रेंडी लुक ज़्यादा पसंद करते हैं और टी शर्ट प्रिंटिंग के आइडिया के साथ बैकअप.कॉम की शुरुआत हुई। 2012 में सिद्धार्थ मन्नत और परभ किरण सिंह ने मिलकर स्टार्ट किया बैकअप.कॉम को। अपने इनिशियल स्टेज में बैकअप.कॉम पर सिर्फ टी शर्ट्स और मोबाइल कवर्स मिलता था। आज इनके कंपनी में 400 मेंबर्स है, 2 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट या 90 से ज़्यादा देशों में सेल कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। टी शर्ट और मोबाइल कवर में ये ट्रेंडिंग पंचलाइन प्रिंट करते हैं जो इन्हें ट्रेंड में ले आता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है बैकअप.कॉम के सक्सेस के पीछे जो इन्हें ई कॉमर्स मार्केट के सेगमेंट में एक अलग पहचान दिलवाया। सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ इन्होंने बहुत अच्छी तरह किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और जस्ट डायल पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जिससे कुछ ही महीनों में इनके फेसबुक पेज पर 75,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए और इससे इनके वेबसाइट में अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। उन्होंने कॉलेज कैंपेन से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। जैसा कि आप जानते हैं, इनका प्रोडक्ट बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट के लिए था। कॉलेज कैंपस में उन्होंने फ्री टी शर्ट भी बांटे जिससे इनकी कंपनी और प्रोडक्ट की अच्छी खासी ब्रांडिंग हो गई। उन्होंने ई कॉमर्स साइट के साथ टाई अप भी किया अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे स्नैपडील, इंडिया टाइम्स, शॉपिंग। अपनी फेसबुक पेज पर ये मीम्स भी डाला करते हैं जिससे इनकी अच्छी खासी ट्रोलिंग हो जाती है और इनकी वेबसाइट की प्रोमोशन भी। अब बात करते हैं इनकी बिजनेस मॉडल के बारे में। बैकअप.कॉम के फाउंडर 360 डिग्री बिजनेस मॉडल का यूज़ करते हैं, मतलब प्रोडक्ट की इन हाउस प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक सारे काम ये खुद ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल, टी शर्ट में क्या प्रिंट करना है, कैसे करना है और टी शर्ट प्रिंट होने के बाद उन्हें सेल कैसे करना है, सारे काम ये खुद देखते हैं। इनकी वेबसाइट पर हर दिन एक ट्रेंडिंग पंचलाइन के साथ एक नई टी शर्ट सेल में लगता है। जो भी पंचलाइन सोशल मीडिया में ट्रेंड करता है उस पर ये टी शर्ट बना डालते हैं। अब इनकी रेवेन्यू की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इनकी रेवेन्यू 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में थी। अब इनके कंपटीटर्स के बारे में बात करते हैं। बैकअप.कॉम के टॉप कंपटीटर्स थे मिंत्रा, स्नैपडील, सेन, फ्लिपकार्ट, पिचमॉड.कॉम, ग्लोबस, चुंबक, सी फॉली, जेनी बर्ड, ये सब इनके कुछ टॉप कंपटीटर्स हैं। अब बैकअप.कॉम की कुछ अचीवमेंट को देख लेते हैं। 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग इनके वेबसाइट पर हर महीने विजिट करते हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट ये सेल कर चुके हैं। 90 कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट की ये डिलीवरी करते हैं। भारत में करीब 19,000 पिन कोड पर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी करी है। 40 लाख से ज़्यादा फेसबुक फॉलोअर्स हैं इनके। 8,700 एक्टिव ट्विटर फॉलोअर्स है। 2.39 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन इनके वेबसाइट पर हर महीने होता है। बैकअप.कॉम की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने इन्हें ई कॉमर्स मार्केट के सेगमेंट में अलग पहचान दिलवाई। हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक ही आइडिया होता है कि कस्टमर के जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट करना, ना कि सिर्फ अमीर बनने का डिज़ायर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कमेंट मेरे कंटेंट को और बेहतर बनाने में मदद करती है। धन्यवाद।